हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, ये भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है अरुणोदय 2.0 यानी कि 2.0 जिसको आप कह सकते हैं, ये योजना किसने शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने शुरू किया है। तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय मतलब खुले में एक तरीके से ऊपर से खुला रहेगा वैसा संग्रहालय विकसित किया? कर्नाटका ने। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है ईरान। ईरान आपको पता ही है वेस्ट एशिया का एक देश है। एयरबीएनबी ने सेवा समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, समावेशी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में भी दी जाती है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लोगे वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो ये गोवा के साथ समझौता किया है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 वेयर वाज इनॉग्रेटेड, ये उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? ये तेलंगाना को कि तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सहायता सफलता की घोषणा की है, मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन आप समझते हो उसकी बात की जा रही है, तो ये अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने कहा 160 मीटर प्राइस सोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो ये केरला में किया है। किसने? इसरो ने किया है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 17 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स है, सारी पीडीएफ आपको भेज दी गई है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई भी सजेशन हो जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।